और सब डिवीजन के सिल्कियाना गांव में बड़े स्तर पर रेत निकालने का कारोबार जोरों शोरों से किया जा रहा है, लेकिन इस सारे काम में प्रशासन अभी तक चुप क्यों बैठकर तमाशा देख रहा है। और इस बार हद तो तब हो गई जब बहते पानी में से भी रेत के कारोबारी धड़ल्ले से रेत निकाल रहे हैं और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, जिससे गाँव वालों की मान के चले तो उनकी जमीन की मिट्टी धंस रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देखिए यह खास रिपोर्ट। सुखदेव सिंह लुधियाने का, उधर है बस्ती वाल दी साइड दा, ते लुधियाने का यह इधर खड्डा चलाउण वास्ते पहला पार सगियां उधर उधरों इधर आ गया, उधर कहिंदे मिट्टी निकल आई ते इधर कहिंदे असीं चलाने आ खड्ड। इन्हां ने आ के धक्के ना तीन चार बंदे, एक तां हैगा रवि सिंह हैगा आ सत्तोवाल दा लुधियाने दा, उन्हां ने आ के तीन क दिन सानूं कहा भी असी बीबी खड्ड चलानी थोड़े ना मंजूर आ, वो धक्के ना लै सन मतलब लै गए लिजा के उत्थे देख दिखाल के बाद कहिंदे सानू एक किला चाहिए सिर्फ, वो सारी साड़ी जमीन च लापे घुमाउण गड्डियां, तो असी कर दिता बंद, उन्होंने असी बंद करता, वो चढ़ गए तो नाले उन्हें साढ़े पैसे दब लै तो नाले गांह सानू, फिर उन्होंने धमकियां दित्तियां तो साढ़े को 70,000 रुपया फिर उन्होंने फैसले का लिया, फैसला थानेदार को लिखा पिया जाके चौंकी तुसी देख लो 70,000 कहिंदे साडा कि एक दिहाड़ी रोक ली तुसी ते साडा 2,00,000 रुपया पै गया, उस वजह दे नाल उन्हें 70,000 लै लिया वे असी एक दिहाड़ी 2,00,000 रुपया देना उन्होंने, धमकी उन्हें यही दिती है कि असी बीबी जे तू गलत सैन कराए असी तैनू मतलब कि अपनी कानूनी कार्रवाई करांगे, तक इस वेले उहदा ही कूके दा ही ਸਲੱਖਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋਨੀ ਆ ਇਹ ਦੋਏ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਟ ਪਤੂਹੀ ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਮੁੱਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਊਂਗਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਲੱਗਦੇ ਕਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਢਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਆ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਆ।